Please repeat my drink. तुम्हें मेरी सेक्रेटरी याद है जिसने तुम्हारे कहने से रस्टी को विनियार्ड का एड दिखाया थैंक यू वो आजकल तुम्हारी सेक्रेटरी अगर वो कुछ पैसों के लिए अपनी वफादारी तुम्हें बेच सकती है तो कुछ ज्यादा पैसों के लिए वही वफादारी मुझे भी बेच सकती है टेंडर की फाइल है मैंने साइन कर दी आधे घंटे में पहुंच जानी चाहिए Yes, sir. I know it's funny. Samay Khurana. He jo kambakht paisa hai, badi shararti shay hai. Ek pal mein baazi tumhare haath mein de deta hai. Aur yun, ek pal mein, wahi baazi tumse chheen leta hai. Hai na pate ki baat? मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ तहजीब और अदब सिखाया ही नहीं आई नो हाउ यू फील लेकिन बरखुरदार इश्क और जंग में सब कुछ जायज है और ये जंग तुमने शुरू की थी जब तुमने मेरी पीठ पर वार किया था आगाज तुमने किया है जंग का पंजाब मैं दूंगा आखिरी बार मेरा होगा समय खुराना ओह यस बाय द वे टेंडर मिलने की खुशी में योर विस्कीज ऑन मी द ड्रिंक्स आर ऑन मी ऑन दिस टेबल एंजॉय योर विस्की Let's go. एक करो, एक करो. जब तक आप लोगों को कोई और घर नहीं मिल जाता घर की औरतें यही रह सकती कमीने इस कमीने ये भी मत मेरे घर कहाँ है क्योंकि इसे हासिल करने के लिए मैं दोबारा आऊंगा हम ये टेंडर मिस्टर फलाना को नहीं दे सकते बीच मलधार डूबूंगा तुम्हारी कश्ती समय खुराना डूबूंगा तुम्हारी कश्ती समय खुराना कभी कभी एक करोड़ रुपया कम पड़ जाता है और कभी एक रुपया सिर्फ एक रुपया मुंह से निवाला छीन लेता हमेशा से मुझे ऐसे ही नजारे की तलाश थी महाराज ऐसा नजारा जो मन को अंदर तक शांति थे मुझे हमेशा से यही लगता था महाराज कि जो मुझे चाहिए वो मुझे इंडिया में ही आके मिलेगा ये तो मात्र शुभारंभ है बालिका ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हें इसी आश्रम में निर्वाण की अनुभूति होगी निर्वाण ये निर्वाण क्या होता है महाराज निर्वाण यानी मोक्ष एक अद्भुत मिलाप की अनुभूति एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति ये आनंद की वो चरम सीमा है जहाँ पहुंचकर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम बिना पंखों के हवा में उड़ रही हो बिना किसी बंधन किसी रोग के This Nirvana thing sounds really cool, Maharaj. मुझे Nirvana चाहिए, अभी चाहिए। धैर्य, धैर्य रख बालिके। हर कार्य के लिए उचित समय और उचित स्थान होता है। Nirvana प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने देह को बहुत हल्का करना पड़ेगा। और इसके लिए पूर्ण शरीर की मालिश, जिसे तुम अंग्रेजी में full body massage कहती हो। नहीं महाराज मुझे बॉडी मसाज की जरूरत नहीं है ना ना कदापि नहीं मन की सारी संशयों को निकाल दो चिंतित मत हो बालिका ये चिंता और घबराहट तुम्हारी निर्वाण प्राप्ति में बाधक बन सकती है
तुम्हें अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मुझ में सारा भरोसा रखना होगा। अपने मन से भय, चिंता, इन सबको निकाल दो और इन बालिकाओं के साथ चले जाओ। ये तुम्हारी मालिश करेंगे। जाओ इनके साथ। शोना घर पर नहीं आई, आज तक कभी इतनी लेट नहीं हुई। A horrible outfit. This is much better. I like it. I really like it. रस्ती बेटा, टेंशन तो मुझे भी है, लेकिन अब तू बता क्या कर सकते हैं? बाबूजी, कुछ तो करना पड़ेगा। निक और समय भी घर पर नहीं है, नहीं तो उन्हें देखने को भेज देते। लेकिन उन लोगों को घर की फिक्र कहाँ है? पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठा जा सकता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं शोना को ढूंढ के आती हूँ। ना पुत्र ना, तू अकेली मत जा। मैं साइमन को तेरे साथ भेज देता हूँ। साइमन! बाबूजी, साइमन को रहने दीजिए। अगर साइमन मेरे साथ जाएगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं अकेले ही जाती हूँ। What's wrong with you people? क्या हो गया तुम लोगों को? रात हो गई है, लड़की घर में नहीं है और तुम लोगों को शोना की कोई फिक्र ही नहीं है। What's wrong with you, मदन? हाँ, कनाडा में शोना रात को देर से क्या सुबह आती थी घर पर and तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ अचानक इंडिया में आके what is the problem? मोहिनी, वो कनाडा था, ये हिंदुस्तान का देहात है। वहाँ पर रात को 8 बजे लाइफ शुरू होती है, यहाँ पर 8 बजे लोग सो चुके होते हैं। My daughter is an adult. वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, ओके? और अगर कोई प्रॉब्लम होगी, तो फोन कर देगी। सिंपल। Can I have my magazine back, please? सॉरी भाई साहब, लेकिन ये बाबा जी इस वक्त कहाँ मिलेंगे? लो, कर लो घर। आधी रात को महाराज को ढूंढने आई। ओ मेम साहब, महाराज तो इस वक्त अपने आश्रम में होंगे। उनका आश्रम कहाँ है? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर होशियारपुर रोड पर। होशियारपुर रोड पर? थैंक यू भाई साहब। बब्बे के पास सारे लोग पागल ही आते हैं। बस कुछ क्षण की देरी है, उसके उपरांत तुम मेरे हाथों से निर्वाण का अनुभव करोगे। उनकी उम्र इस रिश्ते का लिहाज नहीं होता।
तो इतना कभी नहीं सुनता मैं। He wants to pay for something. He wants to pay for my... लीजिए। जो कमी बाप की रह गई थी वो बेटी पूरी कर देगी। अपने इस अदने से गरीब हस्बैंड को कैसे याद किया आपने? समय ये नाटक करना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आधी रात हो चुकी है, शोना अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं उसे ढूंढने के लिए उस ढूंढ की महाराज के आश्रम जा रही हूँ, और तुम्हें अगर अपनी बहन की जरा सी भी फिक्र हो तो होशियारपुर तक आ जाना, वही है उसका आश्रम। होशियारपुर का रास्ता मालूम है? What's wrong, क्या हुआ? Right के left. हाँ, right, लेकिन क्यों? What's the problem? ढोंगी योगी के आश्रम में गई? अरे साहब, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो योगी तो एक नंबर का ठग है। लेफ्ट लेफ्ट। मुझे क्या मालूम यार, ये बच्चे इनकी जिदें पूरी करते रहो, सही गलत का कुछ पता नहीं है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एक बार पूछ तो लो कि ये पैसे उसे किस लिए चाहिए। मैंने आज तक कभी इनसे नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम जो महसूस नहीं कर पा रहे हो पता नहीं, सोना जरूर किसी मुसीबत में। फास्ट सैम, लेट्स गो फास्ट। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंद्रलोक की अप्सरा। तुमने जो 50,000 रुपए दिए थे ना उसको, वो उससे एक ढोंगी महाराज से आयुर्वेद सीख रही है। आधी आधी रात को घर लौट कर आती है। तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ मेरे शिष्य सुनेंगे। और मेरे शिष्यों को मालूम है कि सर्प आवाज को सुना सुना कर देना है। हमारे साथ है, एक के दाम में दो दो। आज दोरी मोक्ष की प्राप्ति होगी। सुना दो गुना नहीं, चार गुना, चार गुना मोक्ष खजान। Stop!
तुझे 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 तो मैं मोक्ष दिला के रहूंगा। छोड़ो मुझे, मेरी बात बात ऊपर तक है, मैं तुम सबको निलंबित करा दूंगा। चल देख, छोड़ो मुझे, माफ कर दीजिए प्लीज। कपड़े बदल लो, चलो। की बात क्यों सुनोगी? क्योंकि इस दुनिया में अकेली समझदार सिर्फ तुम हो, हम सब तो बेवकूफ हैं। मेरे स्वामी महाराज ऐसे हैं, मेरे योगी महाराज वैसे हैं, तुम्हारे योगी महाराज ऐसे हैं। बस करो समय, चुप भी करोगे? नहीं, मैं नहीं चुप करूंगा रश्मि। आज तक चुप था इसलिए बात यहां तक पहुंची, चुप नहीं रहना चाहिए था मुझे। चुपचाप इनकी सारी जिद सहता रहा, प्यार करता रहा, ये जवाब दिया तुमने मेरे भरोसे का। You understand अंदर क्या हो जाता? Do you even realize अगर रस्ते रस्ते टाइम से रस्ते साहब।